गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 8 इन 6 क्लास बॉडी मूवमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट अ पॉइंट ऑफ जॉइंट्स। इन प्रीवियस क्लासेस वी आर ऑल्सो कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ बोन्स एंड द ह्यूमन स्केलेटन। एंड बोन्स के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था, देयर आर स्कल्स, रिबकेज, बैक बोन्स या स्पाइन, लिम्स, है ना। टुडे विल स्टार्ट अ टॉपिक जॉइंट्स। आज हम जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जॉइंट्स किसको बोलते हैं। जॉइंट्स के बच्चों नॉर्मली एक सिंपली डेफिनेशन है, द प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइन। एक ऐसी जगह हमारी बॉडी की जहाँ पर दो बोन्स एक दूसरे से क्या होती है, जॉइन होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट्स टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट्स, है ना। एक प्लेस फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे हैंड्स की जगह, हमारे ये फॉर हमारे आर्म्स हो गए, हमारे लिम्स हो गए, तो जहाँ पर भी एक से दूसरी बोन जो एक दूसरे से अटैच होती है, टच हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तरीके से मैं आप लोगों को, जैसे ये हमारी कोई बोन का क्या है, स्ट्रक्चर है ना, तो ये क्या हो रही है, दो बोन से एक दूसरे से इस जॉइंट के ऊपर क्या हो रही, दोनों जॉइंट होती है, तो उस जॉइंट को इसे क्या बोलेंगे, जॉइंट्स बोलेंगे, क्योंकि दो बोन्स हैं एक दूसरे से क्या हो रही है, बॉन्ड हो रही है या एक दूसरे से जुड़ रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, जॉइंट्स, है ना। अब इसके अलावा बोन्स आर जॉइंट विथ टफ फ्लेक्सिबल बोन्स ऑफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। बोन्स जो होती है फ्लेक्सिबली और काफ़ी टफ सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट्स, क्या बोलेंगे, लिगामेंट्स, है ना, ये इसे ये बोलेंगे। इसके अलावा दो एक से दूसरी बोन के बीच में, एक बोन से दूसरी बोन के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज, क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। आप लोगों को समझ में आया, लिगामेंट्स और कार्टिलेज किसको बोलेंगे। फर्स्टली तो हमें जॉइंट्स की डेफिनेशन बताना है। जॉइंट किस लिगामेंट्स किसको बोलेंगे, जो एक फ्लेक्सिबल और काफ़ी इलास्टिक टिश्यू होते हैं, उन टिश्यू को बोला जाता है, टिश्यूज हो गए, टिश्यू हम बोलेंगे लिगामेंट्स। इसके अलावा एक सॉफ्ट टिश्यू होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। जो हार्ड एंड काफ़ी सब इलास्टिक फ्लेक्सिबल होंगे, टफ होंगे, वो होंगे लिगामेंट्स, और जो काफ़ी सॉफ्ट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेज हो गए, ठीक है। इसके अलावा द जॉइंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इमूवेबल एंड मूवेबल। अब हमारी बॉडी के अंदर के जो जॉइंट्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक वो जॉइंट्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, मूव करती है, और एक वो जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जॉइंट्स तो होते हैं लेकिन वो इमूवेबल मूवेबल होती है, यानी वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। ओनली द जॉइंट्स स्कल्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। हमारे जो स्कल्स के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है ना। एंड द मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जॉइंट्स है जो क्या होते हैं, फ्रीली मूव होते हैं। जैसे हमारे हैंड्स का हिलना, लेग्स को हम क्या करते हैं, हिलाते हैं। जो एक डांसर होता है ना, आप डांसर को आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो अपनी बॉडी के एक एक जॉइंट्स को किस तरीके से वो हिलाता है, किस तरीके से वो डांस करता है। तो मतलब खाली जो हमारे स्कल का जो जॉइंट्स होता है ना स्टूडेंट, उसको हम क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन्हें हम इजीली फ्रीली मूवमेंट्स उनका कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जॉइंट्स है वो कितने तरीके के, देर आर फोर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। फर्स्ट वन इज ए हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर उसके बाद में है पाइवेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना। तो हिंग जॉइंट सबसे पहले क्या है, हिंग जॉइंट, है ना। हिंग जॉइंट को क्या बोलेंगे, दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रोवाइड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रोवाइड्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट सिमिलर टू द हिंग्स ऑफ आवर डोर। जैसे हमारे जैसे जिस तरीके से हम अपने डोर्स वगैरह खोलते हैं, ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो ये वाला जो जॉइंट होता है सेम लाइक दैट वैसे ही क्या करता है,
होता है। ये जो जॉइंट्स पाया जाता है दे अलाउ रोटेशन द फिंगर्स एल्बो नी जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ द हिंग जॉइंट। मतलब हमारे जो फिंगर्स के जॉइंट हो गए या हमारी एल्बो जिसको हम कॉर्नी बोलते हैं इसका जो जॉइंट हो गए इन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हिंग जॉइंट। क्या बोलेंगे हिंग जॉइंट। और इनमें क्या होता है काफ़ी इजीली फ्रीली मूवमेंट होता है। ठीक है कौन से रीजन को फिंगर्स एंड एल्बो रीजन के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हिंग जॉइंट। फिंगर्स एंड एल्बो है ना। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी वो बॉल एंड बॉल जैसे बॉल होती है उसकी तरह राउंड शेप राउंड होता है। बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट्स है ना। तो इसमें क्या होगा जो हमारे ये जो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे जो आर्म्स है ये पूरा यहाँ से ये वाला जो पार्ट्स हमारा टच है ये पूरा एक राउंड शेप में वो बॉल और क्या हो रहा है सॉकेट जैसे किसी राउंड चीज़ के अंदर हमें कोई चीज़ क्या करनी है फिट कर देना है तो उसी तरीके से ये वाला जॉइंट होता है। ठीक है द एंड ऑफ द वन ऑफ द बोन्स इज राउंड लाइक ए बॉल एंड इट इन टू द होलो पार्ट ऑफ द सॉकेट। जो खाली पार्ट होगा वो क्या होगा सॉकेट होगा और एक पार्ट जो होगा वो पूरा उसका जो एंड वो बॉल की तरह कुछ इस तरीके से लाइक डेट होगा और लास्ट वाला जो इस तरफ वाला जो पार्ट होगा क्या होगा खाली होगा जहां से ये होल रीजन जो ये होता है वो क्या होगा इसमें यहां पे अटैच हो जाएगा लाइक इस तरीके से। तो इस बोन्स को हम क्या बोलते हैं होल्स एंड सॉकेट जॉइंट्स जॉइंट्स को ये बोलेंगे। और ये कहाँ पाया जाएगा फीमर्स आर द ह्यूमरस ऑफ द मूव्स इन एनी डायरेक्शन यानी हमारे हैंड्स का फीमर और लेग्स का ह्यूमरस जो हमारा रीजन होता है ये ह्यूमर एंड फीमर रीजन में ये क्या होते हैं पूरे हमारे यहाँ शोल्डर से क्या होते हैं टच होते हैं जिसको हम पूरे अच्छे से इजीली हर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है पिवट जॉइंट। क्या है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो होता है द इन दिस जॉइंट बोनी रिंग रोटेट्स अराउंड पिवट एक्सिस स्ट्रिक्टली बोन स्टिक लाइक बोन्स दिस अलाउज ट्विस्टिंग मूवमेंट अबाउट द जॉइंट हेड मूव फ्रॉम साइड टू साइड बिकॉज इट रेस्ट ऑन पिवट जॉइंट ऑन द टॉप। जैसे हमारा हेड्स हो गए है ना ये क्या हो इसमें क्या होता है कि स्टिक लाइक होता है जो खाली थोड़ा सा इस तरीके से लाइक डेट मतलब एक नॉर्मली साइड बाय साइड जो मूवमेंट्स हो सकता है बोन्स का उस बोन्स को उस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे पिवट जॉइंट बोलेंगे। ठीक है तो ये हेड रीजन में हो गया ट्विस्टिंगली ये दोनों से एक दूसरे से क्या होता है इसका मूवमेंट्स होता है। इसके बाद में है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स अलाउ वन बोन टू ग्लाइड अगेंस्ट each other. This joints is found between the small bones of wrist and ankles. ये जो bones होता है ये वाला joint जो हमारे क्या होता है wrist और ankles यानी हमारे कोने वो ankles के पास पाए जाते हैं और ये जो होते हैं ये पूरी तरीके से मतलब easily twisted करके ये पूरी मतलब हम अच्छे से इन्हें क्या कर सकते हैं इनका movements वगैरह कर सकते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है हमारा wrist and ankles में जो joints होता है उसे हम क्या बोलेंगे gliding joints. ठीक है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कौन कौन से जॉइंट्स हो गए हिंग जॉइंट्स बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट्स पिवट जॉइंट एंड लास्ट वन इज क्या था हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है कि बॉल हिंग जॉइंट्स कहाँ पाया जाएगा फिंगर्स एंड एल्बो के अंदर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे जैसे शोल्डर्स रीजन में यहाँ पे क्या होता है एक जो बोन्स का एंड होगा वो होगा राउंड बॉल के जैसे और दूसरा क्या होगा होलो होगा खाली जगह का होगा जहाँ पे इजीली वो राउंड शेप का जो बोन्स का जो एंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है फिट होता है और क्या होता है मूवमेंट होती है। उसके बाद में पिवट जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो हमारे रिस्ट एंड एंकल्स में पाया जाता है और इजीली हम क्या कर सकते हैं इसे भी पूरी अच्छे तरीके से फ्रीली इसका मूवमेंट मतलब बॉडी का जो जो हमारे जो मूवमेंट होता है जो इजीली हम पूरी बोन्स को क्या कर सकते हैं अच्छे से हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है मूवमेंट ऑफ बोन्स के हमारी बोन्स में किस तरीके से क्या होता है मूवमेंट्स होता है मूवमेंट्स ऑफ बॉन्स।
ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ बोन्स, बॉडी मूवमेंट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ बोन्स एंड मसल्स वर्किंग टुगेदर। हमारी जो पूरी बॉडी है वो जब मूवमेंट करती है तो वह किस किन दो चीज़ों की वजह से करती है, जब किन दो चीज़ों में एक साथ मूव होता है, हमारी बोन्स और मसल्स के अंदर, हमारी खुद की जो बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ मिलकर के वर्क करती है, मूव करती है, तब जाकर के हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। दे आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड टेंडन। ये जो हमारी जो बोन्स है जब ये अटैच होती है, बिकॉज बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, जो हमारी खुद की जो बोन्स होती है वो क्या नहीं, खुद से क्या नहीं होगी, मूव नहीं करेगी। ओनली मसल्स हैव एबिलिटी टू मूव्स, है ना, सिर्फ मसल्स में इतनी एबिलिटी होती है वो उसे क्या कर सकती है, मूव्स कर सकती है। दे आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज कॉल्ड टेंडन। ये जब हमारी मसल्स होती है, हमारी बोन्स जो जैसे जिससे अटैच होती है, उन टिश्यूज को क्या बोलते हैं, टेंडन्स, और इनका का वर्क क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फ्लेक्सिबल, है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, ये किस में क्या होता है, इसका फंक्शनिंग होता है। उसके अलावा द अप एंड डाउन मूवमेंट्स ऑफ योर आर्म्स आर कंट्रोल बाय टू मसल्स। हमारे आर्म्स जो होते हैं अप एंड डाउन करते हैं, तो वो दो मसल्स की वजह से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। क्या बोलेंगे उन मसल्स को, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। ये हो गया हमारा मूवमेंट्स ऑफ बोन्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सरे। एक्सरे किसको बोलते हैं, एक्सरे इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रे दैट पास थ्रू द टिश्यू। मतलब एक्सरे किस एक ऐसे मतलब स्पेशल टाइप की एक रे होती है जो हमारी बॉडी के टिश्यू से तो क्या हो सकती है, पास आउट हो सकती है, लेकिन हमारी बोन्स में से पास नहीं होती है। और यही रीज़न होता है कि जैसे वो हमारी टिश्यू से पास होती है, तो हमारे वहाँ से टिश्यू से पास होने के बाद बोन्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी उसकी इमेज होती है, वो इमेज वहाँ पर क्या हो जाती है, फॉर्म्ड हो जाती है, जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस रे के रे इस रे की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे वगैरह इजीली हमारी बॉडी का निकाल सकते हैं। मतलब हमारी बॉडी के हम जब एक्सरे का कब और क्यों निकालते हैं, जब हमारी बॉडी के किसी पार्ट्स में पेन होता है, या कोई बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, या फिर कोई मसल्स वगैरह में प्रॉब्लम्स होती है, तब जाकर के हम क्या करते हैं, एक्सरे निकलवाते हैं, जब हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। ये करने के बाद में अब वो एक्सरे कैसे निकलेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, एक्सरे इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रे, एक अलग एक स्पेशली टाइप्स की एक रे होती है जो हमारे टिश्यू को क्रॉस करती है, लेकिन हमारे बोन्स को क्रॉस नहीं करेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड हो जाती है, और वही इमेज हमारी क्या होती है, एक्सरे की होती है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। और अब जो नेक्स्ट जो इस चैप्टर का जो टॉपिक हुआ होगा वो होगा मूवमेंट्स इन एनिमल्स। अब तक के जो हमने इन चैप्टर्स में पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट्स इन ह्यूमन स्केलेटन, मतलब द ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा था, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था द ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन्स के अंदर हमने टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ा था, जैसे स्कल्स हो गया, रिबकेज हो गया, बैक बोन्स हो गया, लिम्स एंड, ठीक है। और टुडे विल स्टार्ट अ टॉपिक ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स किसको बोलते हैं, दो बोन्स मिल करके एक जॉइंट फॉर्म्ड करती है, उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स थे, देर आर फोर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, हिंग एंड हिंग जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवेट जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टडी किया है मूवमेंट। मूवमेंट किसको बोलते हैं, जब बोन्स और मसल एक साथ वर्क करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स। और मूवमेंट्स जो होता है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू के वजह से, एक जो दे आर अटैच टू द बोन्स, बोन्स से एक टिश्यू अटैच होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, टेंडन्स, जिसका फंक्शनिंग होता है कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, ठीक है। और जिसकी वजह से मूवमेंट अप एंड डाउन, हमारे हैंड्स वगैरह अप एंड डाउन होते हैं, वो किनकी, विद द हेल्प ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे, एक्सरे का क्या है, एक्सरे कब निकाला, क्या होता है, एक्सरे जो एक ऐसी स्पेशल टाइप्स ऑफ रे होती है जो हमारे टिश्यू को क्रॉस करती है लेकिन बोन्स को क्रॉस नहीं करती है, जिसकी वजह से एक इमेज फॉर्म्ड होती है, और इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सरे।
जिससे हमें ये पता चल जाता है कि बोन्स में कहाँ प्रॉब्लम्स है, नेचर ऑफ बोन्स कैसा है, बोन्स में कहाँ फ्रैक्चर्स आया है, क्या क्या कहाँ कहाँ से, मतलब जो भी बोन्स से रिलेटेड हमें हमारी जो बॉडीज में प्रॉब्लम्स होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे हम इसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आई होप आप लोगों को सभी को अच्छे से क्लियर हुए होंगे टॉपिक। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।